हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे से और सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मेरा स्टडी रूटीन शेयर करूंगा, ठीक है। आप अगर बैंकिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अगर LIC का पढ़ रहे हैं या फिर NISCL इंश्योरेंस एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो, आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है ना, बेसिक एग्जाम पैटर्न तो सेम ही होता है, ठीक है। अगर आप टफनेस की बात करें तो जो SBI PO का एग्जाम है वो ऐसा माना जाता है कि वो इन सब एग्जाम से कंपेरेटिवली टफ होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है तो मेरा जो स्टडी रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जितना पढ़ा आपको भी उतना ही पढ़ना है। काफी लोग होते हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनका कम पढ़ के भी एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन टेक इट एज एन एडवाइस, जो मैं आपके साथ अभी रूटीन शेयर करने वाला हूँ, यू कैन टेक गाइड फ्रॉम दिस एंड यू कैन फॉलो और नॉट फॉलो, बट एटलीस्ट टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम दिस, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस दिन का शुरुआत ऐसा होता था, देखो पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब अपना प्रिपरेशन किया था तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था, ठीक है। उससे क्या हुआ, मेरा अर्ली मॉर्निंग उठने का जो प्रैक्टिस है वो अभी भी बना हुआ है, मैं अभी भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, ठीक है। तो वो आपका एक जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक बहुत ज्यादा बूस्ट देता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं भी उठते हो फिर भी, मतलब आप जब भी उठते हो लेकिन आपको जो स्टडी आवर्स है उसको आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी आवर्स को प्रायोरिटी नहीं देके आप दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दोगे तो एग्जाम निकालना टफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो ये जो है, पहले मैं क्या करता था, मैं जब 6:30 तक नींद खुल जाती थी, उसके बाद 7 बजे को मैं पढ़ने बैठता था, फिर 7 बजे से 8 बजे मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7 बजे से 8 बजे जो भी है डेली करंट अफेयर्स आप सुबह को उठ के पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर्स आपके दिमाग में रिटेन होना चाहिए, और सुबह जब आप उठ के जब आप पढ़ते हो ना तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटेन होता है दिमाग में। ये साइकोलॉजिकल है, ये मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप सुबह को जो पढ़ते हो वो ज्यादा बेनिफिट देता है, वो ज्यादा रिटेन होता है। तो करंट अफेयर्स जबकि आपको रिटेन करना है तो आपको सुबह 7 से 8 बजे तक आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स पढ़ लो। आप करंट अफेयर्स के लिए आप जो सोर्स है वो आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है, उससे आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपने डेली करंट अफेयर्स आपने पढ़ा, उसके बाद आप चले जाओ। कि देखो मैं क्या करता था कि मैंने जब एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद मेरे को हाफ एन आवर 45 मिनट्स रेस्ट चाहिए था, मैं तो कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरे को ब्रेक चाहिए बीच में सोचने के लिए, कुछ कुछ करने के लिए। तो उससे क्या होता था, हाफ एन आवर ब्रेक लेने के बाद मैं 8:30 से 10:30 या फिर आप 2 आवर्स पकड़ लो, कोई भी 2 आवर्स में क्वांट्स और रीजनिंग दोनों में से कोई एक, ठीक है। मैं क्या करता था कि एक दिन सपोज मैंने सुबह को क्वांट्स पढ़ा तो नेक्स्ट डे मैं सुबह को रीजनिंग पढ़ता था, ठीक है। इवन ऐसा हुआ था कि बाद में, देखो ये जो स्टडी टाइम में बता रहा हूँ ये हुआ था जब मैं प्रिपेरेशन जब मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे ही प्रिपेरेशन मेरा जब मैं प्रिपेयर करते रहा, जब मैं और कॉन्फिडेंट हो गया तब मैंने स्टडी आवर्स को कमा दिया। तो मैंने क्या किया था, बाद में मैं एक ही सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ता था, क्वांट्स और रीजनिंग में से। मैं सपोज मैंने आज क्वांट्स पढ़ा तो आज मैं रीजनिंग नहीं पढ़ूंगा, मैं कल रीजनिंग पढ़ूंगा, ऐसे हो गया था, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप सीखते हो तो आपको चीजों को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। आपका जो सीखने का जो फेज होगा ना वही टफ होगा, आप एक बार उस चीज को सीख जाओगे तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। तो मैं क्या करता था, 8:30 से 10:30 मैंने क्वांट्स या फिर रीजनिंग लगा लिया। देखो इनिशियल डेज में क्या होता था, आपको सीखना होता है, ठीक है, आपको क्वांट्स के टॉपिक सीखने होते हैं, आपको रीजनिंग का जो बेसिक्स है वो सीखना होता है, आपको पजल सीखना होता है। पजल सीखने में तो 1 से 1.5 महीना पजल में हाथ आने में ही लग जाता है, ठीक है। तो वो जो चीज है उसके लिए जब आप सीखने के फेज में रहोगे तब आपको पढ़ाई में ज्यादा टाइम देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं वही करता था, जब मैं सीख रहा था तब मैंने क्वांट्स और रीजनिंग में से कोई एक उठा के मैंने 2 घंटा सुबह को पढ़ लिया, उसके बाद 10:30 फिर 11 से 12। देखो बीच में आधा आधा घंटा का जो गैप दिखा रहा हूँ वो ये है क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट दूसरे में स्विच नहीं करता था, आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, वो मैं अपने आप को देता था, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करता था। तो 11 से 12 बजे तक मैं क्या करता था, इंग्लिश करता था। इंग्लिश में मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या वो आप इंग्लिश की वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के ऊपर भी आ रहा होगा इंग्लिश का वीडियो क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। और तो वो ही था कि 11 से 12 बजे तक इंग्लिश करता था। इनिशियल स्टेज में इंग्लिश जब सीखता था तब भी यही था, 1 घंटा इंग्लिश के लिए काफी है, ब्राह्मण से तो कुछ भी करो 1 घंटा काफी है,
ठीक है, तो 11 से 12 बजे तक इंग्लिश, फिर 12 बजे के बाद पढ़ाई बंद। उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ता था, आराम से लंच वंच करो, अपने फैमिली के साथ रहो, गेम्स खेलो, मूवीज देखो, कुछ भी किया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता था कि जब शाम का टाइम आता था 6:30 या फिर 6 जो भी है आप 2 घंटा, उसके बाद मैं क्या करता था कि सपोज मैंने मॉर्निंग में क्वांट्स कर लिया तो शाम को मैं रीजनिंग पढ़ता था। ठीक है, तो क्वांट्स और रीजनिंग में मैंने इक्वल टाइम दिया। देखो आपको क्वांट्स और रीजनिंग में इक्वल टाइम ही देना चाहिए, ऐसा नहीं। आपको अगर रीजनिंग, देखो रीजनिंग सबको आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग कोई स्ट्रांग होता है कोई वीक होता है। रीजनिंग में मोटा मोटी सब लोग सेम लेवल पे होते हैं, लेकिन क्वांट्स में सबका लेवल अलग होता है। ठीक है, कोई अच्छा होता है, कोई बहुत खराब होता है, कोई एवरेज होता है। तो अब आप वो देख लो आपका स्ट्रेंथ क्या। अगर आपका स्ट्रेंथ रीजनिंग है तो आप क्वांट्स में ज्यादा टाइम दो, अगर आपका स्ट्रेंथ क्वांट्स है तो आप रीजनिंग में ज्यादा टाइम दो। जिस जो आपका स्ट्रेंथ है उसको भी टाइम दो, लेकिन ऑपोजिट को ज्यादा टाइम दो। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज में आई मीन स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि पीओ का जो मेन्स एग्जाम है वो आप एक चीज में स्ट्रांग होकर आप नहीं निकल सकते। आपको हर एक चीज में इक्वली स्ट्रांग होना या फिर मॉडरेट होना है, किसी भी चीज में वीक नहीं रहना है। ठीक है, तो 6:30 से 8:30 तक मैं रीजनिंग और क्वांट्स कर लेता था। उसके बाद आता था कि मैं फिर ब्रेक लेके 9 से 9:30, देखो ये 9 से 9:30 वाला जो टाइम है, आप फुल डे अगर आप दिन में आप 6 साढ़े 6 घंटा पढ़ लोगे तो आप बाद में क्या होगा, आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करते हो। ठीक है, उस टाइम पे आपको कोई भी प्रेशर लेने वाला पढ़ाई नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे आपको ये पढ़ना चाहिए कि आप कुछ रिवाइज कर लिया या फिर सपोज आपने कुछ रीडिंग कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता था 9 से 9:30 तक मैं करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेता था, या फिर मैं कोई कोई क्या बोलूं कि कैसे बताऊं, कोई आरसी पढ़ लेता था। ठीक है, कोई भी आरसी पढ़ लिया आपने, आपने अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़े बहुत वर्ड्स देख लिए, आपने इंग्लिश मूवी देख लिया, ठीक है, जिससे आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होता है। आप कुछ भी करो, लेकिन दिन का जो एंड टाइम है ना उसमें आप अपने आप को प्रेशराइज ना करें, अपने आप को कुछ नया सीखने की कोशिश ना करें। जो भी आप सीख रहे हैं आप इनिशियल टाइम्स में सीखे, बाद में जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आप कोशिश यही करो कि आप जो पढ़ने को ट्राई कर रहे हो वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या फिर आप कुछ नया पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में ज्यादा प्रेशर ना डाले। ठीक है, तो आपको क्या होता है कि वैसे आपके दिमाग में रिटेन भी होता है और आपका ब्रेन में उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता है। ठीक है, देखो यार एक्चुअली मेन चीज क्या है पता है, आप जब पढ़ाई करने लगोगे ना, आप 1 महीना पढ़ लोगे, 2 महीना पढ़ लोगे, 2.5 महीना पढ़ लोगे, 3 महीना पढ़ लोगे, 4 महीने भी पढ़ लोगे, उसके बाद आपको क्या होता है कि हर एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हमको उन सब चीजों से बोर लगने लग जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा जो मोनोटोनस हो जाता है, हमारा काम जो है वो मोनोटोनस हो जाता है। लेकिन आपको अगर सक्सेस चाहिए, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको उसी मोनोटोनस काम को करते रहना है। ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज उस काम को 2 महीने किया फिर आप मस्त चिल बैठे हो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वैसे रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो बोर हो जाओ, आप आज जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका फल आपको 5-6 महीने बाद मिलेगा। आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा रेस्पेक्टफुल जॉब मिलेगा, अच्छा सैलरी पैकेज वाला जॉब मिलेगा, वो आप सोचोगे तो आपका पढ़ाई करने का मन अपने आप आएगा। और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास एक्चुअली पढ़ाई करने के अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आप दूसरे फील्ड में टैलेंटेड हो तो अलग बात है, लेकिन आप नहीं हो तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपको अगर आप उस एग्जाम को एम कर रहे हो तो आपको मोनोटोनस काम को आपको 5-6 महीने कंटिन्यूस करना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और आई सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अभी 2023 आ गया है, अभी भी फिर से एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम्स चालू होंगे मैं उनका भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, तो यही था यार इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियोस ऐसे ही पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे को सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। ठीक है, तो यही था, आप स्टडी रूटीन को देख लीजिए, स्टडी रूटीन से आप जितना उठा सकते हैं आप अपने लिए, अपने फायदे के लिए उठा लीजिए। इसी वही पर्पस था इस वीडियो का। चलिए गाइस, थैंक यू।